आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे स्विच कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपका इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट होता है उसमें आपको कुछ खास फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। उसमें आप किसी के वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसमें आपको इंस्टाग्राम की तरफ से इनसाइट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, किस देश से ट्रैफिक आ रहा है और कितने परसेंट किस एज के लोग आपको पसंद करते हैं, कितने परसेंट मेल आपको पसंद करते हैं, कितने परसेंट फीमेल आपको पसंद करती हैं, सब कुछ आप इनसाइट्स में देख सकते हैं। और इससे आपको अपने अकाउंट को ग्रो करने में भी काफ़ी आसानी होगी। बहुत ही कम वर्ड में मैं आपको बता दूं कि जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है वो एक यूज़र की तरह होता है और जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होता है एक क्रिएटर की तरह होता है। तो अगर आप अपने अकाउंट को पर्सनल से प्रोफेशनल कर देते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि अपने पर्सनल अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। अब आपको यहाँ से अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए नीचे यहाँ आपको अपने आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ थ्री लाइंस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अकाउंट पर क्लिक करना होगा। नीचे आपको स्क्रॉल कर देना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी कि आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट में किस टाइप की फ़ोटो या फिर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। तो जो भी कैटेगरी आप चूज करना चाहते हैं और उसे अपने प्रोफाइल पर दिखाना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को टिक कर देना है, ऑन कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कई सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। तो हम एक वीडियो क्रिएट करते हैं, सो हम वीडियो क्रिएटर पर क्लिक कर देते हैं, इस कैटेगरी को हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ डन पे क्लिक करना होगा। अब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि क्या आप एक क्रिएटर हैं, तो हम क्रिएटर हैं तो इसलिए क्रिएटर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। अब आपको यहाँ अपने प्रोफेशनल अकाउंट को सेटअप करना होगा। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसमें से तीन स्टेप को कम्प्लीट करना होगा, जिसमें से हमने एक स्टेप को कम्प्लीट कर लिया है। अब इन दो स्टेप को आपको कम्प्लीट करना होगा, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ किसी को फॉलो करना होगा, बाद में आप इसे अनफॉलो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ इसे फॉलो पे क्लिक कर देना है, इसे फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा दो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ एक्सप्लोर प्रोफेशनल टूल्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे डन पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। और आप यहां पे देख सकते हैं हमारे प्रोफाइल के नीचे भी दिख रहा है वीडियो क्रिएटर, और साथ ही आपको यहां पे और एक फ़ीचर मिल जाता है इनसाइट्स का, जिस पर आप क्लिक करके अपनी व्यूअर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यह इनसाइट्स का ओवरव्यू है। तो अभी इसमें आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने एक नया अकाउंट क्रिएट किया है। तो जैसे जैसे आपको रीच मिलती जाएगी वैसे वैसे आपको इसमें डिटेल्स देखने को मिल जाएगी अपने व्यूअर्स की, कि आपको ट्रैफिक कहां कहां से आ रहा है, आपको किस एज के व्यूअर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, कितने परसेंट किस एज के व्यूअर्स आपको पसंद करते हैं, किस जेंडर्स के व्यूअर्स आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, मेल और फीमेल, आप उनको परसेंटेज वाइज देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।